जय श्री कृष्णा। आज रविवार के दिन आइए सुनते हैं भगवान सूर्यदेव और भोलेनाथ की यह कथा। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, उनकी शरण में जो जाता है उसकी वे रक्षा करते हैं, उसकी पुकार सुनते हैं। वे आसानी से भक्तों की पुकार सुन प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसे ही एक असुरमाली और सुमाली अपनी पुकार लेकर महादेव की शरण में पहुंच गए। फिर ऐसा हुआ कि किसी ने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी, भगवान शिव के क्रोध का शिकार सूर्यदेव को होना पड़ा। भगवान शिव ने अपने शस्त्र त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया था, जिससे पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई थी। क्या थी वो घटना, आइए जानते हैं उसके बारे में। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार असुरमाली और सुमाली को गंभीर शारीरिक पीड़ा थी। सूर्यदेव की अवहेलना के कारण वे इससे मुक्ति नहीं पा रहे थे। उन दोनों ने भगवान शिव के शरण में जाने का निश्चय किया। उन दोनों ने भगवान शिव के समक्ष अपनी पीड़ा व्यक्त की और न ठीक होने का कारण सूर्यदेव की अवहेलना को बताया। असुरमाली और सुमाली की व्यथा सुनकर भगवान शिव व्याकुल हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप उनको क्रोध आ गया। उन्होंने तत्काल त्रिशूल से सूर्यदेव पर प्रहार कर दिया। भगवान शिव के वार को कौन सहन कर सकता था। त्रिशूल के वार से सूर्यदेव अचेत होकर अपने रथ से नीचे गिर गए और पूरी सृष्टि अंधकारमय हो गई। सूर्यदेव कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। सृष्टि में अंधकार होने और भगवान शिव के प्रहार के बारे में कश्यप ऋषि को जब पता चला तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने भगवान शिव को पुत्र की दशा पर दुखी होने का श्राप दिया। कहा जाता है कि इस श्राप के वजह से ही भगवान शिव ने गणेश जी का सिर काटा था। दूसरी तरफ जब शिव जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने देखा कि सृष्टि अंधकारमय है। तब उन्होंने सूर्यदेव को जीवन दान दिया। सूर्यदेव की चेतना वापस आई तो उन्होंने पिता के श्राप की जानकारी हुई। वे दुखी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने उनको समझाया। भगवान शिव, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, उनके पिता कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद दिया। फिर सूर्यदेव अपने रथ पर सवार होकर सृष्टि को प्रकाशमय करने लगे। ब्रह्मा जी ने असुरमाली और सुमाली को कष्ट से मुक्ति के लिए सूर्य उपासना का महत्व समझाया। दोनों ने विधि विधान से सूर्यदेव की पूजा की, जिससे सूर्यदेव प्रसन्न हुए और उन दोनों को रोगों से मुक्त किया। सनातन धर्म में सूर्यदेव प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वैदिक काल से सूर्य भगवान की पूजा
चली आ रही है। माना जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से सूर्य देव की पूजा उपासना करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं सूर्य देव अवश्य पूरी करते हैं। सूर्य देव एक ऐसी देवता हैं जिनके हम हर दिन साक्षात दर्शन करते हैं। ऐसे में सूर्य देव को रोजाना अर्घ देना लाभदायक माना गया है, लेकिन रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। सूर्य देव की पूजा करने से सुख समृद्धि धन संपत्ति बनी रहती है और सूर्य देव भक्तों को दुश्मनों से दूर रखते हैं। मान्यताओं के अनुसार रविवार के दिन व्रत रखने से तथा कथा का पाठ करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अगर आप भी रविवार का व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत पूजा विधि को अवश्य सुने। रविवार के दिन स्नान करके भक्तों को साफ कपड़े पहन लेना चाहिए, फिर सूर्य देव को स्मरण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के बाद मंदिर में भगवान सूर्य की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। इसके बाद भगवान सूर्य को स्नान करवाएं और उन्हें सुगंध पुष्प अर्पित करें। इसके बाद कथा का पाठ करें और धूप दीप के साथ सूर्य देव की आरती करें। एक तांबे के कलश में जल लें और उसमें फूल और चावल डाल दें। इतना करने के बाद सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें और सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद भोजन ग्रहण करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।